दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको आर्मी की तैयारी कैसे करनी है और इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन नहीं किया है तो कृपया ऑन कर लीजिए, इससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, हज़ारों स्टूडेंट आर्मी की नौकरी के सपने देखते हैं। क्या आर्मी में जॉब पाना इतना आसान है? इस सवाल पर हर किसी का जवाब ना में ही मिलेगा। इसकी वजह है प्रतियोगिता। दोस्तों, आपको बता दें कि 100 रिक्त पदों के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्मी में जॉब पाना आसान नहीं है। हर साल इंडियन आर्मी बहुत सारे रिक्त पद निकालती है और रिक्त पदों के लिए उम्मीदवार नियुक्त किए जाते हैं। जो उम्मीदवार नियुक्त किए जाते हैं वो इस दुनिया के ही लोग हैं। अगर उन लोगों को आर्मी में जॉब मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? धैर्य रखें, आपको भी आर्मी में जॉब मिल जाएगी। बस आपको इस जॉब के लिए परफेक्ट तैयारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों, परफेक्ट तैयारी करने के लिए परफेक्ट प्लानिंग की आवश्यकता होती है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। लेकिन इसके लिए आपको एयरफोर्स जॉब के बारे में सभी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। जैसे आर्मी में नौकरी पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई की आवश्यकता है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सी परीक्षा देनी होती है, सभी जानकारी। तो चलिए आगे जानते हैं कि आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी भर्ती के लिए तैयारी कैसे करें। तो किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए एक प्लानिंग की जाती है, जैसा आवेदन से लेकर जॉब मिलने तक की प्लानिंग। कैसे करें प्लानिंग, आइए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। पहली प्लानिंग जो आपको करनी है वो आपको करनी है कि आप आर्मी में जो भी पद चाहते हो उसके बारे में सभी जानकारी हासिल करें। जैसे उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी परीक्षा पास करनी होती है इत्यादि। दूसरा जो आपको टिप्स फॉलो करना है वो है आर्मी परीक्षा पैटर्न को समझें। परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा के विषयों के बारे में जानकारी हासिल करें। और तीसरी जो टिप्स है वो है आर्मी परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रिका जमा करें और उसके बाद उन प्रश्नों को हल करें। ऐसा 5 से 6 बार करने पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चौथी टिप्स जो है वो है, जिन जिन लोगों ने आर्मी परीक्षा पास किया है उनसे मिलें और उनसे पूछें कि इस परीक्षा की तैयारी उन्होंने कैसे किया और पास होने के लिए कौन कौन सी प्रकार की तैयारियां आपको करनी है, आपको कैसे फिज़िकल मतलब निकालना है, आपने किस तरीके से तैयारी की है, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो अधिक से अधिक उन लोगों के साथ रहिए जो आर्मी की परीक्षा पास कर चुके हैं। पांचवा जो टिप्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जनरल नॉलेज। एयरफोर्स की परीक्षा हो या आर्मी की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न जनरल नॉलेज के होते हैं। इसलिए आप जीके इतना मजबूत बनाएं कि अगर जीके से रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो वह प्रश्न हल हो जाना चाहिए। और दोस्तों, आप आर्मी की जो भी परीक्षा देने वाले हैं उसके सिलेबस के विषयों की पढ़ाई करना भी बेहद ज़रूरी होता है। 50% प्रश्न इन्हीं सिलेबस में से होते हैं। और सातवां जो टिप्स है वह है, अगर आप आर्मी की परीक्षा कोई भी परीक्षा पास कर होना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, इसलिए इंग्लिश की पूरी पढ़ाई ज़रूर करें। आठवां जो टिप्स है वो ये है कि इंग्लिश के साथ गणित, जो कि आर्मी परीक्षा में गणित विषय में से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए गणित की भी पढ़ाई ज़रूरी है आपके लिए। नौवां जो टिप्स है वो है कि आर्मी परीक्षा बहुत कठिन नहीं होता, इसलिए घबराएं नहीं। परीक्षा के पहले या परीक्षा देते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। और दसवां और आखिरी जो टिप्स है वो है, साक्षात्कार के समय आपको बहुत ही एक्टिव रहने की आवश्यकता है। आपको जनरल नॉलेज एवं आर्मी से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। साक्षात्कार के समय घबराएं नहीं, सवालों को पहले ठीक से समझ लें और उसके बाद ही उनका जवाब दें। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।